हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हियर आई एम विद माय एग्ज़ाम रिव्यू वीडियो। सो टुडे आई एम गोना बी शेयरिंग एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, मेरा कैसा गया, मैंने कितने अटेम्प्ट किए एंड ओवरऑल। बट बिफोर दैट, मेरा एग्ज़ाम 13 को था इवनिंग शिफ्ट में, और एक मेरा पहले से माइंडसेट बना हुआ था क्योंकि मैंने सुने थे रिव्यूज़ वगैरह कि जो थर्ड शिफ्ट है वो ज़्यादा हार्ड आ रहे हैं कंपेयर टू अदर शिफ्ट। सो मेरे को एक ये भी था कि मेरे वाला हार्ड ना हो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। जैसे मैं घर पे मॉक टेस्ट लगाती थी तो सेम थिंग आई फॉलोड इन द एग्ज़ाम। मैंने स्टार्ट किया जीके से, तो मैंने 15 अटैम्प्ट किए। जीके का पेपर सही आया हुआ था, ऐसा नहीं कि बहुत टफ आया हुआ था। सो मैंने 15 अटैम्प्ट किए तो उसमें से आई एम श्योर कि मेरे 12 सही होंगे। एंड इट टुक मी ओवरऑल 6 मिनट्स टू कवर जीके पोर्शन। फिर मैंने स्टार्ट किया अपना इंग्लिश सेक्शन। जीके का मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत इजी था या बहुत टफ था, इट वाज मॉडरेट। और अगर आप बहुत टाइम से अच्छे से कर रहे हो अपने जीके तो आप 12 क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। एंटोनिम्स सिनोनिम्स आए हुए थे, बहुत बेसिक लेवल के थे, इजी थे। कुछ एरर वाले क्वेश्चन में मुझे एक दो में डाउट था, और जो क्लोजेस्ट आया हुआ था वो मुझे थोड़ा सा टफ लगा। और उसमें लाइक मुझे जब तक मैं ये सब कर रही थी तो मेरे 16 मिनट्स चले गए थे। सो आई वाज लाइक, तो मेरे 2 फिलअप मैं कर नहीं पाई थी क्लोज टेस्ट की, फिर मैंने स्किप कर दिए। फिर मैंने टोटल मैंने अटेम्प्ट किए इंग्लिश में 22, जिसमें से आई एम वेरी श्योर कि 21 मेरे सही होंगे। बट बिफोर मूविंग ऑन टू रीजनिंग सेक्शन, आई मस्ट से कि मॉक टेस्ट से मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ, क्योंकि एक तो मैं अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाई, एंड सेकेंड डेली मिस्टेक करने से बचते हो। लाइक आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से क्वेश्चन रीड करने की, सॉल्व करने की, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। अगर आप मॉक टेस्ट स्किप कर रहे हो तो मत करना, अपना एनालिसिस भी अच्छे से करके जाना, क्योंकि उससे भी हेल्प मिलती है। एंड फॉर दैट, आपने अगर अब तक कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो प्रेप प्लस बहुत अच्छी ईयरली सब्सक्रिप्शन लेके आया है, ओनली 3349 रुपीज़। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको जस्ट 299 पे करने पड़ेंगे। एंड फॉर दैट यूज़ माई कूपन कोड स्टडी15 टू गेट दिस डील। करते हैं रीजनिंग की। तो जब मैं अपना कर रही थी, सॉल्व कर रही थी क्वेश्चन, तो सब ऐसा बोल रहे थे कि बहुत ईजी आ रही है रीजनिंग, तो लाइक 20 से 23 क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। पर जब मैं करने लगी तो लाइक एनालॉजी वाला क्वेश्चन तो मुझसे हुआ ही नहीं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा लॉजिक पूछ रखा था, और तब मेरे को कुछ दिमाग में नहीं आया। फिर एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, वो बहुत लेंथी था, तो वो मैंने स्किप कर दिया उस टाइम। तो तब तक मेरे फिर 19 क्वेश्चन हुए थे, और फिर मैंने टाइम देखा कि जस्ट 28 मिनट्स रह गए हैं, और मेरे को मैथ्स के लिए आधा घंटा तो चाहिए ही होता है। मेरा मैथ्स बहुत वीक है, मैं एवरेज स्टूडेंट। जो प्रो है उनके लिए सारे क्वेश्चन ईजी होंगे और वो जल्दी जल्दी कर लेते होंगे सॉल्व, पर मुझे बहुत टाइम लगता है। फिर क्या हुआ, मेरे तो 19 ही सही हुए, और मेरे को प्रेशर आ गया, फिर दिमाग घूम गया कि सबके 23-24 सही हो रहे हैं और मेरा क्या चल रहा है। ये मैथ्स पे गई तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, लाइक ट्रायंगल रिलेटेड था, और ज़्यादा बता नहीं सकते क्योंकि एसएससी ने मना किया है ताकि फेयर कंपटीशन रहे, विच इज़ राइट। और मैं ये बता सकती हूँ कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, तो मेरे लिए तो हार्ड था भाई, ठीक है। और मतलब ये हमेशा होता है कि थर्ड शिफ्ट हमेशा हार्ड क्यों आती है, मतलब क्या दिक्कत है एसएससी को थर्ड शिफ्ट वालों से। मैं मैथ से फिर भटक गई, तो मैथ्स की बात कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन तो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट थी ना कि मैंने पूरे पढ़े भी नहीं, मुझे पहले ही लग गया ये मुझसे नहीं होंगे। क्वेश्चन ज्योमेट्री से था, उसमें आपको एंगल बताना था, पता नहीं उसमें क्या ही कर रखा था, लाइक कहाँ से ट्राइंगल जा रही है, उसमें 2 सर्कल जा रहे हैं। तो मेरे को लगा चलो ट्राई करके देखती हूँ कभी डायरेक्ट रिजल्ट पे हो तो, फिर देखा कुछ अलग ही गोलमाल चल रहा है। तो मेरा दिमाग घूम गया कि इतना सब ईजी बोल रहे हैं, और मतलब मेरे से तो हो नहीं रहा। मैंने सोचा कि एंड में क्या पता ईजी क्वेश्चन हो, तो मैं एंड में देखती हूँ जाके। तब मेरे पास 8 मिनट्स रह गए थे, देखा एंड में ग्राफ दे रखा है, वो भी इजी नहीं था, बहुत लेंदी था। तो ओवरऑल मैंने 15 क्वेश्चंस किए मैथ्स में, और 2 में तुक्का लगाया मैंने, मुझे नहीं पता मैथ्स का क्या होने वाला है मेरा सीन। सो रिमेनिंग 5 मिनट्स मैंने फिर 2 क्वेश्चन मैथ्स के देखे, और 5 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के, और इंग्लिश के 3 क्वेश्चन जो मेरे फिलअप्स रह गए थे वो सब मैंने किया जितना भी मुझसे हुआ। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इट वॉज़ वेरी सिमिलर टू लास्ट ईयर 23 वाला, और मतलब प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता ही था। तो मैंने आपको सब बता दिया कि मेरा कैसा गया, क्या क्या मैंने किया है एग्ज़ाम में। और अगर जैसे मॉर्निंग में हो जाता है ना तो आप फ्री हो जाते हो, एक माइंड आपका फ्री हो जाता है, पर इवनिंग तक वेट करना और बहुत मतलब बहुत प्रेशर वाला डे था। तो देखा जाए तो मेरा मुश्किल है पेपर निकलना, एज इट वॉज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट, तो ऐसा हो जाता है।
पर कुछ सीखने को ही मिलता है एंड क्या पता हो भी जाए तो मैं अपना मेंस कंटिन्यू रखूँगी, लाइक थोड़ी बहुत तैयारी करती रहूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है सिलेबस, और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूँगी। और फिर भी यू नो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट और जो होगा देखा जाएगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आपको मैं अगले लाइक एवरी वीकेंड में अपना ब्लॉग डालूँगी सैटरडे को, तो सैटरडे को मिलेंगे। तो आप जिनका भी अभी रह गया एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। सो अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।